अनुपमा का। एंड आजकल गाइज मैं काफ़ी ज़्यादा हिंदी सीरियल्स देखने लग गया हूँ। एंड ये यहाँ से चढ़ के ना ये मम्मी को वहाँ पा। सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 3:43 एंड आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो 11 से 12 मेरा पेपर था जैसे कि मैं आपको कल बताया था। तो आज व्लॉग थोड़ा सा लेट आया, 11:30 बजे आया व्लॉग आज। एंड तो फिर उसके बाद मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, अभी भी मेरे मासी और मेरे नानू आए हुए हैं, इसीलिए मैं उनके साथ बिजी था। अभी भी थोड़ा फ्री होया हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग को कर देते हैं हम स्टार्ट। इनके साथ आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। एक दिन गर्मी होती है, एक दिन सर्दी होती है। एंड कल रात को मैं फोल्डिंग पर सोया था गाइस, काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड बैनी सो रहा है अभी, तो अब मैं करूँगा अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। वैसे ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं गाइस, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार लड़का हूँ, चीटिंग नहीं करता मैं फ़ोन से देख के याद करके लिख देता हूँ, बहुत ईमानदार लड़का हूँ गाइस। एंड अभी मैं जा रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात की शाम के विक्स कर लो बज रहे हैं 7:50। एंड अभी मैं काफ़ी देर से ब्लॉग भी बनाया, लास्ट में आपको बोला था क्योंकि गाइस मैं फिर उसके बाद मैं अपने जो गेस्ट आए थे मेरे मासी नानू चले गए, उनके पास बैठा था थोड़ी देर, उनके साथ टाइम स्पेंड की, बातें की। फिर उसके बाद हम कहीं काम, जिस काम से वो यहाँ पे आए थे उस काम से हम कहीं बाहर गए थे, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पास में गए थे। तो वो काम हो गया, वो भी उनको हमने वहीं से आधे रास्ते में छोड़ दी है, वो चले गए थे। एंड अभी मैं घर में आया हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, शूज़ पा के गया था गाइस हीरो बन के। तो मैंने नींबू पानी पिया ठंडा, चल बाहर गर्मी बहुत हो रही है तो अब भी पियो नींबू पानी। और वो मामू का क्विज का टाइम चेंज हो गया तो 7:20 हो गया है। एंड गाइस मेरे मामू ने मुझे कहा है कि अगर आप लोगों को भी वो क्विज लगाना, अगर आप लोग क्रिकेट के फ़ैन हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके उस पे जाके आप वो लगा सकते हो 7:20 पे शार्प, 7:20 शार्प से 7:20 से लेकर 7:30 तक 10 मिनट के लिए वो शो आते हैं। मेरे मामू आपसे क्रिकेट के क्वेश्चंस पूछेंगे और क्रिकेट की नॉलेज देंगे आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होता है गाइस। जो क्रिकेट के फैन हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ तो इसलिए मैं वो लगाता हूँ, मैं इसलिए मेरे मामू ने मुझे बताया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लगा सकते हैं। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं बनाऊँगा मैगी। अभी 9:25 हो रहे हैं अभी। एंड अभी जस्ट मैं खा के आया हूँ खाना जो कि था अभी जस्ट नहीं आधा घंटा हो चुका मुझे, जो कि था नमक जैन की परौंठी मक्खन साथ। एंड मैंने एक ही परौंठी खाई तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी क्योंकि मैंने आपने जैसे देखा जैसे कि मैंने मैगी बनाई थी अभी तो उससे मेरा पेट भर गया था तो मैंने एक ही फुल्का खाया। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मेरी मैगी बनाने की रेसिपी में बदलाव आया है कि पहले मैं ऐसे ही मैगी को बिना तोड़े उसमें डालते थे, बट अब से एक बार ना मेरे पापा ने मेरे तोड़ के बनाई थी, मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी तो अब से मैं अभी पहले तोड़ लेता हूँ किसी बर्तन में, जब तक पानी उबल जाता है फिर उसमें डाल के टेस्टी मैगी बनने के बाद एंजॉय करते हैं। एंड हेयर वी हैव बैनी जी जो दीवार पर मुड़ के सोए हुए हैं, इसको बांध रहा है बेसिकली क्योंकि ना ऐसे यहाँ से खुला होता है ना ऐसे भागते 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 कुत्ते पे भोंगते रहता है तो थोड़ी जी सब इसलिए इसको एक जगह पे बांधा हुआ है। एंड अब भी बिजली कड़की है यार गाइज, मौसम कैसा हो गया यार, कल आई थी बारिश क्या, नहीं कल नहीं परसों आई थी बारिश और आज मौसम ठीक है, ज़्यादा मतलब कि फाइन ही है। और
बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा तेज एंड बारिश आने के आसार हो रहे हैं एंड अभी 9:25 हो रहे हैं। अरे अभी तो नहीं टाइम हुआ, अभी आधे घंटे बाद मेरा टाइम है मेरे फेवरेट शो अनुपमा का। एंड आजकल गाइज मैं काफ़ी ज़्यादा हिंदी सीरियल्स देखने लग गया हूँ। एंड ये यहाँ से चढ़ के ना ये मम्मी को वहाँ पार्क है पीछे, अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ मेरे मम्मी का सैर करने गया था, याद आ रही है इसलिए दिख रहा है। तो मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा हिंदी सीरियल्स देखने लग गया हूँ। तो मैं सास बहू वाला बन जाऊंगा, सास बहू के रोने पिटने नहीं देखता हूँ मैं, कुछ और देखता हूँ जो मेरे मम्मा शो देखते हैं अनुपमा वो भी देखता हूँ। एंड अभी मैं थोड़ी देर तक अपने नोरी के साथ खेलूँगा। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:43 एंड अभी काफ़ी देर से मैंने टीवी देख रहा था, वही सीरियल जो मैंने आपको कहा था अनुपमा वो देख लिया मैंने। उसके बाद आम खा के मैं अभी बना रहा हूँ व्लॉग। एंड अभी मेरे घर में सारे सोने की तैयारी कर रहे हैं, मम्मा तो सो गए हैं, पापा फ़ोन चला के सोएंगे 10 मिनट में और दीदी भी। तो अब ये पीछे से बैनी की आवाज़ थी, बैनी बाहर कुत्ते पर भौंक रहा है, अभी उसे थोड़ी देर में अंदर करूँगा। एंड गाइस आपको एक बात मुझे बताएं थी, मुझे मैं सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना अभी, क्योंकि उसके लिए भी पूरी एक तो गारंटी नहीं है कि वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, और उसमें अभी 4 महीने पड़े मेरे बर्थडे पे मुझे एक चीज़ मिल रही है वो अभी मैं आपको सोच रहा हूँ ना ही बताऊँ, क्योंकि अभी उसका पूरा पक्का नहीं है कि मैं वो ले भी रहा हूँ या नहीं। बट आपको थोड़ा हिंट दे दूँ क्या, चलो आपको वैसे भी अभी मैंने जैसे डेली ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है तो आपको पता लग जाएगा, तो शायद ही लूँ, पूरी गारंटी नहीं है जैसे कि मैंने आपको अभी कहा ही। तो एंड गाइस कल है मेरे भाई का बर्थडे ध्रुव, जो आपको मैंने बताया हुआ है। तो ध्रुव अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तुझे मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। एंड वैसे भी मैं उसे अभी 12 बजे विश करके सोऊंगा गाइस, वो भी हमेशा मुझे करता है तो भाई के नाते मुझे भी करना चाहिए। अभी तो 10:44 हो रहे हैं, मैं अभी एडिटिंग करके 11 बजे एक घंटे के लिए सो जाऊंगा, जैसे ही 12 बजेंगे उठ के उसे विश करके दोबारा सो जाऊंगा। एंड तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे कर दूँ मैं एंड। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।